आप लोग ऐसे चीज़ आज तक नहीं देखे होंगे, सही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो चलिए दिखाते हैं आप ऐसा क्या चीज़ है। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? ये रहा मेरा बॉन्ड है, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट होता है ये जो मेरा आज का ब्लॉग है, सलाम जी, सलाम जी, जेंट आने वाला है। हेलो, और यहाँ से बॉन्ड मेरा स्टार्ट है, कराने जा रही हूँ और वहाँ तक है, तो चलते हैं वहाँ से लेके हम कैमरा। तो ये रहा मेरा गेट, और यहाँ तक मेरा घर का बाउंड्री है ऐसे। तो हम एंट्री करते हैं, ये रहा मेरा गेट, और गेट से एंट्री करते हैं। गेट बिल्डिंग आता है बड़ा सा पार्क की, छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं जो हम लोग तोड़ के खाते हैं जब पक जाता है, तो बहुत सारा अमरूद लगा हुआ है। दिखाना अमरूद, देखिए कितना सारा अमरूद लगा हुआ है। और फिर आता है शरीफा, ये शरीफा का पेड़ है, शरीफा भी एक लगा हुआ है, एक है पक चुका था जो हम लोग सारे खा चुके हैं तोड़ के। फिर ये आता है दूसरे में अमरूद आता है, फिर शरीफा आता है जिसको आप लोग सीताफल भी बोलते होंगे, सीताफल या पता नहीं क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर ये आता है, ये महोगनी है, केला भी है, और ये शोपीस में पापा लगवाए थे। फिर मम्मी ये बैंगन सब लगवाई है, बैंगन वैगन है, ये सब्जियाँ, और ये मेथी, और ये शोपीस के कोई पेड़ है। फिर इधर आता है लीची, शरीफा, ये सब लीची का ही पेड़ है। इधर भी लगा हुआ है बैगन, ग्रीन वाला छोटा छोटा, ये छोटा छोटा बहुत सॉफ्ट करता है। और ये भी शोपीस के कोई पेड़ जिसका मेरे को जिसका नाम पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। जो इधर का व्यू है हम आप लोगों से दिखा ही दिए हैं, और ये मेरा घर है, और वो मेरा बथान है, और ये फ्रंट का है, ये सब मोहब्बी का पेड़ पापा लगवाए हैं, और ये मेहंदी वेदी है सब। तो चलिए इधर से हम आप लोगों को दिखाते हैं। इस साइड भी अमरूद लगा हुआ है, छोटे छोटे अगाने उगे हुए हैं, और ये मेहंदी का पेड़ है, बहुत ज़्यादा अमरूद मेरे द्वार पर, कम से कम 10-12 अमरूद है। और इधर लगा हुआ है पालक, मुंडक और मूली, और तुलसी का पौधा है, दादा यहाँ पूजा करते हैं, और यहाँ पे कल है मेरा, और ये आम का पेड़ है, और ये मेरे दादा यहाँ बाहर नहा के कपड़े डाले हुए हैं, और ये तुलसी का पौधा है जहाँ पे पूजा होता है, और ये है नींबू, नींबू का पेड़ है, और ये शरीफा है, शरीफा द्वार पर ज़्यादा है, लीची भी है, आम भी है, और ये भी नींबू है, और ये मेहंदी का पेड़ है, और ये भी नींबू है जिसमें अभी एक ही नींबू बचा हुआ, सब हम लोग तोड़ लिया है, पक गया था तो। और ये अमरूद है। तो चलिए हम एंट्री करते हैं अपने घर में। तो जो बाहर का व्यू था हम आप लोगों से दिखा दिए हैं, दोनों साइड के, इस साइड का और इस साइड का। और ये मेरा घर का गेट है, और ये दरवाजा मस्त का है ना, इधर ये गेट है, तो बाहर से ज़्यादा जा सके। तो दो गेट है घर में, दो गेट है, एक गेट है। तो अब चलते हैं, हम एंट्री करते हैं घर में। एंट्री करते हैं, मिली है आप लोग मेरे पापा से, और पापा से आशीर्वाद लेते हैं कि मेरा ये वाला वीडियो वायरल हो जाए। और ये अभी आटा पिसवा के आया था, तो अभी टेबल पे रखा हुआ है, मुंडी जाने वाली सीमा, इसलिए आटा पिसवा के आया है। तो हम, ये मेरा हॉल है छोटा सा, और यहाँ पे मेरे पापा के फोटो लगवा रखे हैं, और भगवान जी के भी फोटो है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं घर में एंट्री करने पे, मेरा दादा का रूम आता है सबसे पहले, और हॉल आता है,
चलते हैं दादा के रूम में। तो ये रहा मेरे दादा का रूम, इधर आ जाते हैं। इधर मेरे दादा का रूम है। दो मेरे कंबल यूज करते हैं, एक ये और वो जो कंबल है ना छोटे वाला दादा का है। और इधर मेरे दादा के सारे कपड़े पड़े हुए हैं और इधर सब दादा का जो हिसाब हिसाब का वो रखे हैं। ये अलमीरा है उनका, ये उनका तिजोरी है सब। तो इस दादा के रूम है छोटा सा और इन उनके रूम में डबल बेड है क्योंकि दोनों दादा मेरे जो है ना यहीं सोते हैं। तो हम चलते हैं घर के अंदर। तो हम पहला गेट पे एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद पड़ता है दूसरा गेट। तो दूसरा गेट के लिए हम दूसरा गेट पे एंट्री करते हैं और चलते हैं रूम दिखाने। तो एंट्री करते हैं, फिर पड़ता है इसको क्या बोल सकते हैं आंगन, ये सारे इसको बोल सकते हैं। और ये रहा आंगन और इतना बड़ा आंगन है जिसमें दो सोफे लगे हुए हैं आंगन में। इधर इससे कुर्सी रखा है जिसको हम करते बैठने का। और इस साइड में लगा हुआ है फ्रिज। तो हम चलते हैं सबसे पहले मम्मी का रूम दिखाने। तो आइए, यहाँ हम एंट्री करते हैं मम्मी के रूम में। जैसे आप लोगों को पता है कि ठंडी का दिन है, तो ठंडी के दिन में हम लोग इस पे कंबल भी छा रखे हैं। तो ये रहा मेरी मम्मी का रूम। और मम्मी के रूम में ये मम्मी का अलमीरा है लकड़ी वाला, ये है गोदरेज वाला। और इस साइड में पापा मम्मी का फोटो लगा हुआ है, और भैया पापा का फोटो है। इधर हम लोग पांचों लोग का फोटो है। इस साइड भी मेरे मम्मी पापा का फोटो है, मुन्नी को मेडल मिला था तो वो लगा रखी है नीचे में। और ये हम लोग का पांचों लोग का फोटो है जिसमें हम पापा मम्मी भैया दीदी मोनी सब कोई है। और इसमें मेरे भैया और पापा हैं और ये मेरी मम्मी और पापा और ये मुन्नी की डॉल है। और ये रहा मेरे मम्मी का रूम। तो अब हम चलते हैं अपने रूम में, हम अपना रूम दिखाने। तो मम्मी के रूम में से ही अपने रूम में एंट्री करेंगे क्योंकि जो दूसरा रूम है ना इसी में अटैच है। तो चलते हैं अपने रूम में, आ जाइए। तो ये रहा मेरा रूम जिसमें हम और रॉकी रहते हैं, रॉकी आते हैं। तो ये बेड है मेरा जो मेरे शादी में बना है, न्यू बेड। मेरे शादी में दो बेड बना था, एक ये है, एक मेरे तिलक पर जा चुका है। और रहा मेरी छोटी वाली बहन का पांडा जो मोनी यहाँ लेकर पढ़ाई करती है, बैठती है ये पढ़ने और उसके साथ बैठ कर पढ़ती है। और ये मम्मी कुछ अपने सामान लगा रखी है। और मेरे रूम में भी पापा का फोटो लगा हुआ है, ये रहे मेरे पापा। और इधर भी पापा का फोटो है, इधर फिर सब कुछ साथ में है इस फोटो में। और इस फोटो बनवाए हैं ना अपने मेहनत से कमा के हम बनवाए हैं, कुछ निशानी है जो हम काम किए उसका निशानी है ये। और इधर आता है ये कंबल, मेरे रूम में ये कंबल रखा हुआ है। और ये फिर से छोटी सी अटैची इसमें पेपर ऊपर रखा हुआ है। ये मेरी ट्रॉली, मुन्नी के कॉपी, मुन्नी का बैग और इधर मेरा सारी चूड़िया है। बस यही मेरे रूम में सामान। ऊपर में एक वो क्या है, ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, इसमें इन्वर्टर पर शायद है। ये रहा मेरा सब सामान, ही मेरा रूम है छोटा सा। अब चलते हैं हम दूसरे रूम में लेके। जैसे आप लोगों को पता है कि मम्मी का और अपना रूम दिखा चुके हैं, अब चलते हैं अपने दीदी का रूम दिखाने। तो आइए, तो ये रहा मेरे दीदी का रूम जिसमें इसमें भी मेरे पापा का फोटो लगा हुआ है बहुत सारा। जब हम पेंटिंग करते थे ना तब का ये सब फोटो बनवाए हैं हम। सारे घर में पापा का फोटो लगा हुआ है। तो ये रहा दीदी का बेड, ये दीदी का बेड है जिसमें दीदी आती है तो मेरी सोती है। पलंग पर हम चूड़ी पहने थे ना तो चूड़ी फैला के रख दिए हैं। और यहाँ पे मेरा और पापा का फोटो है साथ में का, और दीदी का ये पलंग है। कमेंट में बताइएगा किसका पलंग ज़्यादा अच्छा है। और ये मम्मी का ही है, अभी अलमीरा मम्मी का ही है। और ड्रेसिंग है, इस पे सब सामान है, मेकअप का जो भी है। और इधर हैंगर लगा हुआ है, दो रूम में हैंगर नहीं है, इसी में रूम में हैंगर है। इसमें भी कपड़ा जो भी चेंज करना हो पहनना इसी में है। और इधर ये सब है। और इधर मेरे पापा का साइकिल है जिसमें पापा एक्सरसाइज करते थे। और इधर मम्मी सब पेटियाँ रखी है, इसमें लेने देने वाला सब कपड़ा उपड़ा है। और वो है मम्मी का छोटा सा बक्स जिसमें मम्मी कंबल वम्बल रखी है, कंबल या पता नहीं क्या है, मेरे को भी कंफर्म नहीं पता है। तो हम चलते हैं अपने चाची वाले रूम में लेके। तो हम दीदी का रूम दिखा के बाहर आ गए हैं, अब चलते हैं हम चाची वाले रूम में। तो ये रहा मेरा चाची का रूम, चाची का पलंग दिखाना, पलंग मुझे चाची को दहेज में मिला है। ये मेरे चाची को दहेज में मिला है, चाची का बक्स है, ये भी दहेज में मिला हुआ है। और इधर पंडा प्रिया कपड़े हैं,
ये अलमीरा है चाची का और ये ड्रेसिंग है। और इधर चाची अपना वो कवर लगा रखी है, उसमें भी सब सामान भरा पड़ा है, पूरा फुल है वो। और ये चाची के इसमें जो भी सामान है सब दहेज वाला है, ये बक्स, ये अलमीरा, ये ड्रेसिंग। तो ये रहा मेरे चाची का रूम। इसमें थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, एक बल्ब फ्यूज हो गया है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। और ये सारा मेरे बाबू का खिलौना है, प्रिया 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 पांडा क्लास में टॉप की है तो सब मिला हुआ है। तो ये मशीन है जो मेरी मम्मी को दहेज में मिला है। तो अब हम चलते हैं अपने चाचा वाले रूम में। तो हम चाची का रूम दिखा रहे हैं और ये सोफा है लगा हुआ। अब हम चाचा का रूम दिखाएंगे। तो चाचा मेरे इस रूम में रहते हैं। तो आइए ये रूम एंट्री करते हैं। इसमें मिलता है बड़ा सा हैंगर चाचा का, और फिर ये इनका अलमीरा जो खाता है, पूरा दुकान के खाते भरे हुए हैं। और इधर कम्बल, ये सोफा, और ये रहा बेड जिसपे पूरे खानदान का लोग सो सके एक जगह। और ये आईना, ये चाचा चाची पंडा प्रिया बाबू पांचों लोग यहीं सोते हैं। और यहाँ पे घड़ी लगा हुआ है। ये इधर भी छोटा सा बक्स रखा हुआ है, चाची इसमें कुछ रखी होंगी अपना कंबल अम्बल जो भी। तो ये रहा मेरा चाचा का छोटा सा रूम। अब हम चलते हैं बाबा वाले रूम में। चलिए दिखाते हैं। तो चाचा वाला रूम से निकलते ही पड़ता है भगवान जी का रूम। हम आते हैं भगवान जी के रूम में। और यहाँ आज कौन सा दिन है, आज ये शायद बृहस्पति बड़ा। तो चाचा पूजा वूजा करके गए हैं। और यहाँ पे सारे भगवान जी का फोटो लगा हुआ है, और इधर भी है, इधर भी है, और इधर ये सब रखा गया है। टीवी भी सब जो एक्स्ट्रा हुआ था ऊपर अलमीरे के ऊपर रखा गया है। तो ये रहा मेरे भगवान जी का रूम छोटा सा, इधर पूजा पाठ वाला सब बर्तन है। तो अब चलिए चलते हैं, आप लोगों से दिखाते हैं हम छत पे जाने का रास्ता। तो छत पे आप लोग हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सीढ़ी वाला दरवाजे के पास लग गया है फ्रिज, और ये है छत पे जाने का रास्ता। तो अभी हम छत पे नहीं जाएंगे, अभी अपने किचन दिखा देंगे, उसके बाद हम छत पे जाएंगे। और यहाँ नारियल पानी पड़ा हुआ है, मम्मी डेली एक नारियल पानी पीती है क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। और तब हम जाएंगे छत पे। तो चलते हैं अभी किचन में। तो जैसे ये है सीढ़ी वाला रूम, ये है बाबा वाला रूम, ये है चाचा वाला रूम, और वो है मेरी चाची वाला रूम, वो है दीदी वाला, और इसमें दोनों अटैच है, जिसमें एक मम्मी रहती है, एक अंदर में मेरा में है। और इसका रूम नहीं है, इसका रूम जो है मम्मी, ये मम्मी के साथ रहती है, इसके कुछ नहीं है इस घर में, एक्स्ट्रा में है। और ये मैं इसी गेट से एंट्री किए थे। और ये रहा मेरा आंगन। तो अब हम चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो ये इधर छोटा सा गली टाइप का रास्ता है। तो ये रहा मेरा किचन। तो हम किचन में आ गए हैं। तो आइए, और ये किचन में सारे डब्बे लगे हुए हैं, ये सब कुछ ना कुछ मम्मी अपना सामान पैक करके रखी है, सारे मसाले और ये सब बर्तन। इसमें मड़वे काटा, क्या बोलते हैं, बलटांग काटा है, इसमें बेसन है, इसमें सत्तू है, दाल है, चना है, ये सब रखा हुआ है। इसमें ये आग में रख दिया जाता है, दही जम जाता है, तो ये दही जमाने के लिए मम्मी इधर रखी हुई है। और ये है जांत, पता नहीं जो आप लोगों को पता भी होगा या नहीं होगा, इसमें वो पिसाता है गेहूं चावल और ये दाल वाल डालते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं, बहुत ही टफ काम है चलाना, वैसे हिल भी नहीं जाए। तो ये जाती है। और यहाँ मेरा खाना बनता है, हम लोग खाना नीचे ही बैठ के बनता है, और इसलिए फिर स्लेब बना हुआ है मगर इस पर बनता नहीं है, तो इस पर हम लोग सामान रखने में काम आता है। और इस साइड में छोटा सा अलमीरा है बर्तन वर्तन रखने के लिए, इस पर सर्फ साबुन रहता है। और ये नीचे जो है अंडे वंडे रखे हुए हैं, मिक्सी विक्सर सब पड़ा हुआ है। तो अब हम चलते हैं, मेरा कल किधर है, कल तरफ, दो कल है मेरा, तो इधर आता है मेरा कल। यहाँ पे चाचा कपड़े भिगो के रखा गया है। तो सबसे पहले पड़ता है बाथरूम, फिर वाशरूम वाशरूम चला जाता है इस साइड में। किचन को हम लोग पार करके आते हैं, फिर आते हैं हम लोग अपने चूल्हे वाले रूम में। तो चूल्हे वाले रूम में इसमें बने जो है ना मीट मछली जो भी बनना होता है बनता है, इस पे दूध गर्म होता है, साग होता है, दाल चावल सब इस पे बनता है। और ये जलाम की लकड़ियाँ, और ये अलमीरा है, इसमें मम्मी पता नहीं क्या रख रखी है, मेरे को भी नहीं पता है। और ये सब है अलमीरा है, इसे छोटा छोटा डब्बा इधर भी है क्योंकि उधर लाने में दिक्कत होता है ना मसाला वसाला, इधर भी रखा गया मसाला, उधर भी रखा गया मसाला।
तो यहाँ मेरा ये इधर इधर का जो किचन है खत्म होता है, और ये रहा गेट छोटा सा जो आपको दिखाया था, मेरे दादा बाहर सुहास को माना होता है, तो इस रास्ते से मेरे दादा आते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे दादा ससुर है और उनकी दो बहुएं हैं, मम्मी चाची, तो मेरे दादा घर के अंदर नहीं जाते हैं। दादा का रूम भी थोड़ा सा देखे होंगे, फर्स्ट में उन्हीं का रूम पड़ता है, तो दादा उस रूम में रहते हैं। और इधर से देखिए देखिए इधर से गेट खोलने के बाद द्वार आ जाता है, तो दादा मेरे इस अपने रूम से निकल कर डायरेक्ट इधर से आकर अपने वाशरूम आते हैं, वाशरूम से फिर चले जाते हैं। जो भी उनको खाना पीना का काम लगता है, हम लोग उनके घर बाहर उनके रूम में जा कर दे जाते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं, दादा मेरे घर में नहीं जाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं छत पे। तो हम आंगन में आ गए हैं और हम चलते हैं छत पे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि उस टाइम से हम बोलते जा रहे हैं, तो मुझे लग चुकी है प्यास, और हमें ले लिए हैं नारियल के लड्डू। इसमें सारा थोड़ा मोनिक खिलाए जो मेरा वीडियो बना रही है, और दादा हम खाएंगे और छत पे पानी पियेंगे। और इधर मेरा इन्वर्टर है, बैटरी है मेरा, डबल बैटरी लगा हुआ है। तो हम चलते हैं छत पे, तो आइए चलते छत पे। और यहाँ पे जो लाइन का मेन बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मेन बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, और ये मेरा सीढ़ी है छत पे जाने का। और यहाँ पे जो बोरे हैं ना, ये इसमें सूप टांगे गए हैं, मम्मी सूप टांगी है, जो ईया मेरी ईया थी ना तब का बना हुआ सूप है, बहुत ही पुराना सूप और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे भी इधर भी है। तो हम आधे छत पे आ गए हैं, और मुन्नी वीडियो बनाने के लिए चल रही है छत पे, और ये छत पे जाने की सीढ़ी है, ये सीढ़ी मेरा थोड़ा थोड़ा टूट चुका है। आ गए हैं और छत पे आके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस ठंडी में धूप निकला हुआ है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है धूप में आने पे। तो हम छत पे एंट्री कर गए, और यहाँ पे छत पे डाले गए हैं कपड़े। और मेरे छत पे भी रूम है, 3-4 रूम के बराबर एक रूम है। तो आइए आप लोग इसमें दिखाते हैं, आप लोग ऐसी चीज़ आज तक नहीं देखे होंगे, सही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो चलिए दिखाते हैं वैसा क्या चीज़ है। तो हम आ गए हैं छत पे, छत पे आते ही मेरा वॉशिंग मशीन है, जिसमें हम लोग कपड़े धोते हैं। और मम्मी बोल रही है कि वॉशिंग मशीन कुछ और खरीद लाता है। और यहाँ पे ये गेहूँ चावल आटे पता नहीं क्या क्या रखी है मम्मी, ये गेहूँ है चावल है सब इधर भी। और फिर पड़ता है मेरा डेहरी, इस डेहरी में है सरसों, इस डेहरी में है सरसों, इस डेहरी में भी सरसों है, और इसमें है गेहूँ, गेहूँ इसमें भी है, इसमें भी गेहूँ है, और इसमें है चावल। तो ये रहा, इसका नाम है डेहरी, इसमें सामान रखाता है। तो आप लोग घर शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मेरे ईया को बनाया हुआ है, जो हम लोग भी नहीं देखे हैं, आज के जमाने में बनता भी नहीं है। और ये मेरे इधर आना थोड़ा पास आओ, और ये मेरा जो मेरे ईया नहीं है, आज ईया नहीं है मेरी, तो मेरे ईया का बुना हुआ सब दौरिया है जो मम्मी संभाल के रखी है। और डब्बे हैं अचार के, जिसमें भरुआ अचार और आम का अचार मम्मी रखी है बना के, ऊपर में सब डब्बे लगे हुए हैं। इधर भी दौरिया है सब, इधर भी दौरी है, इधर सब लोहे वोहे का सामान है, इधर भी मम्मी कुछ सामान रख रखी है। और ये ढाका है, जिसमें चावल और चादरियाँ छान के रखते हैं, फिर वो बिछाते हैं। और इधर ये कटरा, ये पता नहीं क्या है मेरे को नहीं पता। और ये सब डब्बे दौरा वगैरह सब इधर लगा हुआ है। और इस पे भी है दो बक्सा, जिसमें मम्मी रखती है कंबल वम्बल ठंडी ठंडी खत्म होने पे। और ये सब डब्बे वब्बे पड़े हुए हैं। और ये है छोटा सा ड्राम, इसमें भी कुछ होगा जो मेरे को नहीं पता है। और इधर भी सब डब्बे मम्मी रखी हुई है, रिफाइंड फाइन तेल उल का आता है। तो और फिर है यहाँ पे इतनी सारी कुर्सियाँ, जब कुछ पार्टी वोटी होता है बाहर निकला जाता है, लाना नहीं पड़ता है, तो बहुत छोटा मोटा पार्टी के लिए काम आ जाता है। और नीचे भी बहुत सारी कुर्सियाँ यहाँ भी है, जैसे आप लोग आंगन में भी देखे होंगे कुर्सियाँ बहुत है मेरे घर। और नीचे में सब बना के रखा गया है पीढ़ा खटिया, पीढ़ा बैठने वाला पीढ़ा सब नीचे में है। तो चलिए छत के मथान का छत दिखाती है, इधर से घुमाते हैं छत पे इधर। और इधर झाड़ू वाड़ू सब खड़ा हुआ है, धान वन डालने आती है लोग ना, वो लोग छोड़ के गई हैं लोग। इधर आता है ये बाउंड्री, ये शीशा चाची के दहेज में मिला था टेबल, जो यूज नहीं हो पाया। ये है मेरे बथान का छत, ये मेरे बथान का छत है। और छत पे लगा हुआ है कोहड़ा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मगर हम लोग साइड बिहार में तो कोहड़ा ही बोलते हैं। तो ये सब कोहड़ा फरा हुआ है, और ये बथान का छत है। वहाँ से आने का वो जो है ना थोड़ा सा दिख रहा है, वो आने का है बथान पे। तो हम बथान के छत पे आ गए हैं, ये सब इधर रुपा गया है। और ये मुन्नी मुन्नी वीडियो बना के थक चुकी है,
और इधर ये पेड़ उड़ है, और बथान के पीछे भी जो है ना, हम आप लोग को थोड़ी ही देर में दिखाते हैं नीचे चल के। ये बथान के पीछे है इसका रास्ता, उधर गैया मेरी रहती थी जो नहीं है अभी, और वो ना दे गैया खाने वाला। तो चलिए चलते हैं हम अपने घर वाले छत पे और आप लोग को दिखाते हैं, और आप लोग को बैकग्राउंड में दिखा दें क्या है। तो चलिए हम चलते हैं छत पे, घर वाले छत पे। घर के छत पे कपड़े डाले गए हैं, और हम आप लोगों से दिखा दें यहाँ से। ये मेरा वाशरूम वाला छत है, और वो मेरा जो किचन है ना वो छत है, उस पर करकट रखाया है, छत नहीं है। और बीच में जो खाली है ना वहाँ पे मेरा कल है, क्योंकि कल के साइड खाली इसलिए रखा गया, धूप अप लाएगा ना तो नीचे जो काई जमता है ना वो काई नहीं जम पाएगा। तो ये मेरे घर का छत है, और यहाँ पे मेरी मम्मी की साड़ी डाली गई है, और वहाँ पे मेरी साड़ी डाली गई जो मैचिंग मैचिंग है। इधर बाबू के कपड़े ऊपर डाले गए हैं, ये करकट जिसमें डेहरी आप लोग से दिखाए थे, और वहाँ नारियल पानी मम्मी जो पीती है तो रखा है कि वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं आगे हम लोग चला ताप जाएंगे, और लौकी है। तो चलिए हम बैकग्राउंड दिखाते हैं आप लोगों से घर के पीछे का। तो ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा है, इसमें भी बहुत सारी लौकियाँ फरी हुई है, मेकअप तो दिख भी रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने द्वार। तो ये रहा मेरा द्वार, द्वार पे गाड़ी लगी हुई है, उनके घर पे द्वार पे जगह नहीं है ना, तो यहीं लगाते हैं वो गाड़ी। चलते हैं नीचे अपना बथान दिखाने, वीडियो बना बना के थक गए हैं और पूरा बाल बिखर गया है मेरा। तो चलिए चलते हैं हम अपने बथान में। चलिए हम बाहर आ गए हैं, छत पे से हम बाहर आ गए हैं, अब चलिए चलिए दिखाते हैं अपना बथान। तो बथान में एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं, यहाँ पे हो रही है पढ़ाई, क्योंकि मेरे चाची बोले थे कि टीचर है, तो उनके सारे बच्चे आ चुके हैं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? ये वो बोल रहे, क्या नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? संध्या। तो देखिए इतने सारे बच्चे हैं, और ये इधर लॉलीपॉप खा रहा है। तो ये रहा बथान का हॉल, और यहाँ चाचा का बुलेट लगा हुआ है, और ये मेरा स्कूटी है जो मेरे चाचा हमको दिलाए थे, और ये बाबू का साइकिल है, चाची का टेबल है, यहाँ पे बैठ कर पढ़ाती है, जो अभी गई है थोड़ा सा दो मिनट काम है ना तो अंदर गए हैं, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, चौकी रखा हुआ है, और ये आंगनबाड़ी का ही बोर्ड है जिसमें चाची का नाम लिखा हुआ है पुष्पा देवी। तो ये हॉल खत्म होने के बाद आता है ये छोटा सा रूम जिसमें कुछ सामान नहीं है, खाली ये चौकी है, एक टेबल है, और ये छोटा सा अलमीरा है, ऐसे कुछ फालतू सामान रखी हुई है जिसका यूज नहीं है, तो इधर हम लोग रख देते हैं, स्टोर रूम जैसा है ये। तो चलिए चलते हैं हम पीछे का दिखाने। और यहाँ होता है मेरी गाड़ी पार्किंग में, और यहाँ पे मेरी मम्मी सोई हुई है पार्किंग वाले में आके धूप के लिए, मेरी मम्मी यहाँ सोई है धूप ले रही है। अभी चाचा कार लेके कहीं बाहर गए हैं, तो उसमें कार नहीं है अभी, मेरी तो कार पार्किंग लगती है। तो हम बाहर आ गए हैं, यहाँ बथान मेरा ख़त्म होता है, अब यहाँ से हम ऐसे करके जाएंगे पीछे जिधर गैया रहती थी, जैसे बोले थे आप सबको दिखाए थे, यही रास्ता है पीछे जाने का। तो हम पीछे आ गए हैं, पीछे आते ही पड़ेगा चौकी, क्योंकि चौकी पे यहाँ है, क्योंकि लकड़ी भी बहुत सारा है, और ये रहा टेबल, और मम्मी यहाँ पे बनाई है लोहे की सीढ़ियाँ, क्योंकि छज्जे वज्जे पे चढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और ये रहा इतना सारा जलावन के लकड़ी जो अभी यहाँ से उतार उतार के जाता है अभी बाहर, ये बहुत ही ज़्यादा पीछे तक है, अभी इतना निकाल गया है, कितने ज़्यादा पीछे है, लंबा है ये, और ये जो है ना ये पलंग इसी पे रखते हैं हम लोग, चार चार है, चार पलंग इसी पे रखते हैं। तो ये रहा छोटा सा
लकड़ी वाला रूम बोल सकते हैं इसको। और ये रहा मेरा गैया का नाद, इसमें नाद में गैया खाती थी, बंधाती थी, जो अभी नहीं है तो करने वाला कोई नहीं है, दादा मेरे बूढ़े हो गए हैं तो उनको नहीं हो पाता। तो इसमें हम लोग लगा लिए हैं सब्जियाँ, साग वग सब, चने वने भी हैं साग में, और ये सरसों है, यारदाना है, ये मटर भी रोपाया है, बकला वकला सब है इसमें। तो इधर भी तरीके का पेड़ है देखिए, और ये पीछे का व्यू है मेरा। तो इधर शरीफा मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें शरीफा ना कम से कम 5-7 पेड़ में तरीके का साथ आता। और इधर लगा हुआ है गाजर तो आप लोगों को पता ही होगा, गाजर का हलवा जो बनता है वही गाजर है। इधर बोरे वरे बारे वरे है। तो चलिए चलते हैं हम अपने घर का पूरा व्यू दिखाने। तो आइए, तो ये आप लोग देख लीजिए मेरे घर का फुल लुक। और अब मेरी चाची जा रही है आंगनबाड़ी में पढ़ाने, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये इधर मेरे दादा कपड़े वपड़े सब डले हुए हैं, यहाँ पे सब पेड़ वड़े हैं। और मौनी, और इधर एक बच्चे भाग गया। तो चलिए चलते हैं अपनी मौसी की छत पे और वहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं बाउंड्री वाउंड्री के साथ। तो ये मेरा फुल घर है, जिसमें पूरा आप लोग नहीं दिख पाएगा क्योंकि पेड़ उड़ निकल गए हैं, बड़ा बड़ा हो गया, पेड़ से ढक गया है घर। तो ये मेरा घर बथान दोनों इसमें आ गए हैं, और वो मेरा करकट वाला रूम दिख रहा है, जो दिख रहा है ना वो। तो आप लोग मेरा फुल घर तो देख ही लिए होंगे, तो चलिए थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं अगल बगल का। सो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों से अपना पूरा होम टूर करा चुके हैं, और मेरे घर में क्या क्या कमी है, क्या चीज़ें मेरे को और अच्छे से करना चाहिए, घर कैसे रखना चाहिए, मैंने क्या चीज़ कौन कहाँ कैसे रखना चाहिए, कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा घर कैसा लगा आप लोगों को ये भी कमेंट में बताइएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।